जिम ट्रेनर वनील पवार से आज हम जानेंगे शोल्डर वर्कआउट के लिए कौन सी एक्सरसाइज उपयोगी है और कौन सी एक्सरसाइज से हम कंधों को मजबूत बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वनील, आप देख रहे हैं MH1 पर वेक अप इंडिया प्रोग्राम। आज हम शुरुआत करने वाले हैं शोल्डर के वर्कआउट में, तो हम आपको 5 एक्सरसाइज शोल्डर के लिए गाइड करने वाले हैं जो बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे आपको आपके डेली वर्कआउट के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं शोल्डर की पहली एक्सरसाइज, ओवरहेड डंबल प्रेस। चलिए बेटा पोजीशन पे आइए, लेग्स आपका शोल्डर के बराबर चौड़ाई में खुलेगा, थोड़ा लेग वाइज करें और डंबल्स को ऊपर की तरफ जाएंगे एक्सहेल करते हुए। चलिए बेटा आप, और इनहेल करते नीचे आने, जब आप ऊपर जा रहे हैं आपको एक्सहेल करना है। चलिए स्टार्ट रखिए, गुड, अप, वेरी गुड, चलिए शाबाश, अप एंड ब्रीद आउट, इनहेल करते नीचे। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके एंटीरियर डेल्टॉइड को डेवलप करने के लिए। ये थी हमारी शोल्डर की पहली एक्सरसाइज ओवरहेड डंबल प्रेस, जिसमें आपने टारगेट किया अपने एंटीरियर डेल्टॉइड को। इसके आप 10 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट परफॉर्म कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं बारबेल फ्रंट रेज। स्टांस वही रहेगा, शोल्डर के बराबर आप लेग्स को वाइड रखेंगे, शोल्डर्स को ओपन रखेंगे और स्टार्ट करेंगे। चलिए परफॉर्म करें, अप, गुड, जब आप ऊपर आ रहे हैं आपको ब्रीद आउट करना है और इनहेल करते नीचे आएंगे, गुड। चलिए आप शोल्डर के लेवल तक ऊपर आए और धीरे धीरे बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, शाबाश। ये एक्सरसाइज भी आपके एंटीरियर डेल्टॉइड के लिए है और इसके भी आप 10 से 12 रेपिटेशन के 3 सेट परफॉर्म करें। चलो कंटिन्यू रखें, शाबाश, चलो बैक। ये थी हमारी शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज बारबेल फ्रंट रेज, और अब हम जा रहे हैं शोल्डर की थर्ड एक्सरसाइज लैटरल रेजेस की तरफ। शोल्डर की थर्ड एक्सरसाइज में हम परफॉर्म कर रहे हैं लैटरल रेजेस, जो कि आपके मीडियल डेल्टॉइड को ट्रेन करती है। और स्टांस वही रहेगा, शोल्डर के बराबर आपको अपनी लेग्स को खोल कर रखना है, शोल्डर को आप रखना है और आइए परफॉर्म करें। चलो बेटा आप एंड डाउन, मेक श्योर जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आपको एक्सहेल करना है और ये आपके इस मीडियल पार्ट को शोल्डर के लैटरल हेड को ट्रेन करते हैं। अप एंड ब्रीद आउट, फॉर्मेट इसमें भी वही रहेगा, 10 से 12 रेपिटेशन आपको परफॉर्म करने हैं और 3 सेट्स के लिए आप जाएंगे। शोल्डर से ओपन, वेरी गुड, वेरी गुड। ये थी हमारी शोल्डर की थर्ड एक्सरसाइज लैटरल रेजेस। अब हम जा रहे हैं शोल्डर की फोर्थ एक्सरसाइज रियर डेल्ट फ्लाई, जो कि हमारे पोस्टीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करता है। शोल्डर की फोर्थ एक्सरसाइज में हम स्टार्ट कर रहे हैं शोल्डर रियर डेल्ट फ्लाई के साथ में। इसमें आप टारगेट करते हैं अपने शोल्डर के इस रियर पार्ट को, ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है। चलिए बेटा बिल्कुल स्लो आएंगे आप, एक्सहेल करते आपको पीछे आना है और इनहेल करते आप वापस जाएंगे। मेक श्योर आपको इस 180 के एंगल तक की पीछे आना, से ज़्यादा आप पीछे नहीं आएंगे। जब आप पीछे आ रहे हैं आपको एक्सहेल करना है और इनहेल करते वापस, शाबाश। वेरी गुड, चलिए ये थी हमारी शोल्डर के एक्सरसाइज में फोर्थ एक्सरसाइज रियर डेल्ट फ्लाई, जो कि शोल्डर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब हम चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज के लिए, जिसका नाम है श्रग। अब हम स्टार्ट करते हैं शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज श्रग्स के साथ में, स्टार्ट था। इसमें आपको शोल्डर से थोड़ा ऊपर रखना है, ट्रैप्स को ऊपर ले जाना है और धीरे धीरे
इनहेल करते हुए नीचे आना है, एक्सहेल करते हुए आप ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे, ऊपर रोके हल्का और धीरे धीरे नीचे आएंगे, शोल्डर्स को थोड़ा पीछे की तरफ ओपन रखें, अप एक्सहेल एंड डाउन, अप एक्सहेल एंड डाउन, बस स्लो करो, शाबाश रुक, वेरी गुड। ये था हमारा शोल्डर का आज का वर्कआउट और मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए एवमिक्स वन पर वेकअप इंडिया प्रोग्राम। मैं वनिल, धन्यवाद।